पीएम मोदी आज वाराणसी में करेंगे नॉमिनेशन। नामांकन से पहले गंगा स्नान करेंगे पीएम, पीएम काल भैरव के दर्शन भी करेंगे। नामांकन से पहले पीएम मोदी गंगा स्नान करेंगे, दशाश्वमेध घाट पर पूजा अर्चना करने के बाद काल भैरव से आशीर्वाद लेंगे। करीब 11:40 पर पीएम नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत 20 केंद्र और यूपी सरकार के मंत्री मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 12 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी पीएम की नामांकन प्रक्रिया के दौरान शामिल होंगे। नामांकन दाखिल करने के बाद पीएम रुद्राष्ट्र कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। कलेक्टर ऑफिस में पीएम के एनडीए नेताओं के साथ भी मुलाकात होगी। वाराणसी में आखिरी चरण यानी 1 जून को मतदान होगा और पीएम मोदी के नामांकन से जुड़ी बड़ी खबर TV9 पर मोदी के प्रस्तावकों की सूची। प्रधानमंत्री मोदी के 4 प्रस्तावक पंडित गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर प्रस्तावक के समुदायों में शामिल है, प्रस्तावकों में शामिल। पंकज झा हमारे साथ रोविंग एडिटर हमारे इस वक्त जुड़े हुए हैं। पंकज, प्रस्तावकों के नाम हमने देखे, क्या खास बात है इस बार के प्रस्तावकों की? देखिए, पिछले कई दिनों से प्रस्ताव कौन कौन प्रस्तावक होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन को लेकर, तो उसकी बड़ी चर्चा थी। पहले 50 नाम तय किए गए थे, उसमें शॉर्टलिस्ट करके 4 नाम कल देर रात जो तय किए गए हैं उनको जानकारी भी दे दी गई है। उसमें सबसे पहला नाम अगर आप देखें तो पंडित गणेश्वर शास्त्री हैं, जिनके बारे में सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त और फिर पूजा विधि संस्कार वहां जिस तरीके से हुआ था उसके लिए उनको दिया गया है। वो ब्राह्मण समाज से हैं, बिल्कुल अगर आप देखें तो सामाजिक समीकरण का ख्याल रखा गया है। अब जैसे बैजनाथ पटेल है तो पटेल यानी कुर्मी बिरादरी के लोग जो है वो ओबीसी समाज से आते हैं। उसी तरीके से अगर आप देखें तो जो संजय सोनकर है वो एससी समाज से आते हैं। पहली बार जब 2014 में प्रधानमंत्री ने नामांकन किया था तो जैसे कल आपने देखा पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा का सबसे पहले माल्यार्पण करने गए थे, तो उनके पोते जस्टिस गिरधर मालवीय को उन्होंने प्रस्तावक बनाया था। तो प्रधानमंत्री के जो प्रस्तावक होते हैं उसमें बनारस की खुशबू होती है, बनारस की आत्मा होती है और सामाजिक समीकरण का ख्याल रखा जाता है। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। शुक्रिया पंकज आपका इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। और नामांकन से एक दिन पहले पीएम मोदी ने वाराणसी में मेगा रोड शो किया। रोड शो के दौरान यूपी के सीएम योगी भी मौजूद रहे। काशी में पीएम मोदी के रोड शो के दौरान सड़क के दोनों तरफ भारी संख्या में समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ता नजर आए। बीएचयू से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक करीब 5 किलोमीटर की दूरी पीएम मोदी ने 2.5 घंटे में तय की। रोड शो में देश के अलग अलग राज्यों के रंग देखने को मिले। पीएम ने कभी हाथ हिलाकर तो कभी हाथ जोड़कर लोगों का अभिनंदन किया। रोड शो के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर उन्होंने पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। और वाराणसी में पीएम के रोड शो पर प्रियंका गांधी ने तंज किया है। उन्होंने कहा कि गाड़ी से आधे किलोमीटर दूर खड़ी जनता को अभिवादन जनसंपर्क होता है। रोड शो जनसंपर्क नहीं होता जिस तरह से हम लोग करते थे और जिस तरह से मेरे पिताजी करते थे। मेरे पिताजी पैदल गांव में जाते थे, प्रधानमंत्री होते हुए पैदल गांव के अंदर जाकर समस्याएं पूछते थे, जनता की आंसू पोंछते थे। एक गाड़ी पे ऊपर से खड़े होके यूं हाथ हिलाना और जनता आधे किलोमीटर दूर से यूं हाथ हिला रही है वो जनसंपर्क नहीं है। वो मोदी जी का जनसंपर्क होगा, उनका अपना तरीका है। और चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 सीटों के लिए 67.25% मतदान हुआ। लोकसभा की 543 में से अब तक 379 सीटों पर वोटिंग हो चुकी। पश्चिम बंगाल में इस चरण में सबसे ज्यादा मतदान हुआ। राज्य की 8 लोकसभा सीटों पर चौथे चरण में वोट डाले गए। मतदान का प्रतिशत रहा 76.02%। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में 68.20, तेलंगाना में 61.59, बिहार में 55.92, जम्मू कश्मीर में 36.88, झारखंड में 64.30, मध्य प्रदेश में 69.16, महाराष्ट्र में 52.93, ओडिशा में 64.23, यूपी में 58.02% मतदान हुआ। इस चरण में आंध्र प्रदेश की 175 विधानसभा सीट और ओडिशा की 28 विधानसभा सीट के लिए भी मतदान हुआ। और रायबरेली की जनसभा में राहुल गांधी को अपनी शादी के बारे में किए गए सवाल का जवाब देना पड़ा। ये जो मेरी बहन है
इसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जब मैं देश में कैंपेनिंग कर रहा हूं, चुनाव लड़ रहा हूं, तो ये यहां मेरे लिए, मेरी मदद के लिए यहां अपना खून पसीना पूरा आपको दे रही है। तभी प्रियंका भीड़ की तरफ इशारा करके कहती है, पहले उसका जवाब दो, पहले उसका जवाब दो। भीड़ से आवाज आती है कि राहुल जी शादी कब करोगे। राहुल सवाल पूछते हैं फिर जवाब देते हैं, क्या सवाल है? अब जल्दी करनी पड़ेगी। और झारखंड के चतरा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जितना मोदी झूठ बोलते हैं उतना कोई नहीं बोलता, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे राज्यसभा हो, उनको ओपनली बोलता हूं, साहब आप तो इस देश के बहुत बड़े झूठों के सरदार हैं। इतना झूठ कोई नहीं बोलता। कहीं समंदर में जाते हैं डुबकी लगाते हैं, और गंगा में जाते हैं डुबकी लगाते हैं। अरे भाई दुनिया का पाप करते हो, ये डुबकी से कुछ होने वाला है? और अमेठी में प्रियंका गांधी ने बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी पर वार किया। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी सांसद ने गांधी परिवार को गाली देने के अलावा कोई काम नहीं किया है। एक काम सुना दे तो किया है, एक बार मंच पे आकर ये कह दें हमें गाली देने के बजाय यही कह दें कि भाई हमने इतने रोजगार दिए, हमने ये पाठशालाएं खोली, हमने सड़कें बनाई, हमने ये सुविधा दी आपको स्वास्थ्य के लिए, एक बार बोल दें। मंच पे आती हैं बस शुरू हो जाती हैं हमें गाली देना, हमारे परिवार को, राजीव जी जैसे शहीद को देशद्रोही कहना, ये कहना कि हम लूटने आए थे, चोरी करने आए थे। और हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता फिर एक बार विवाद में फंस गई हैं। मतदान के दौरान मुस्लिम महिलाओं की पहचान चेक करने के मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया। हैदराबाद में मतदान के दौरान एक बूथ पर यह वही तस्वीर है जिसे लेकर बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। दरअसल वीडियो में उन्हें एक मतदान केंद्र पर बुर्का पहने मुस्लिम महिलाओं से अपने चेहरे दिखाने के लिए कहते हुए दिखाया गया है, जिससे वो उनके मतदाता पहचान पत्र पर मौजूद तस्वीरों से उनका मिलन कर सके। हैदराबाद पुलिस का कहना है कि केस दर्ज करने के बाद जांच की जा रही है। और पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि दिल्ली में इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, मोदी नहीं आए। কাজে মোদি আসছে না, জোগান তুলতে হবে, অলি গলি মে শোর হ্যায়, বিজেপি চোর হ্যায়, অলি গলি মে শোর হ্যায়, ফটো এন্টি চোর হ্যায়, অলি গলি মে শোর হ্যায়, জুমলাবাজি শোর চোর হ্যায়, অলি গলি মে শোর হ্যায়, মোদি জি যা রহা হ্যায়, অলি গলি মে শোর হ্যায়, बीजेपी हटाओ। और वर्तमान में बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष की कार पर पथराव हुआ है। बीजेपी का कहना है कि हमला टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया। ये कार वर्धमान दुर्गापुर से बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष की बताई जा रही है। कार में तोड़फोड़ की गई है जिसकी वजह से कार के शीशे चकनाचूर हो गए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि हमला टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया, हमले में सुरक्षा कर्मी को भी चोट आई है। दिलीप घोष ने कहा कि जिन मतदान केंद्र में मतदान करने नहीं दिया जा रहा वहां जब मैं जा रहा हूं तब हिंसा होती है, प्रश्न ये है कि पुलिस कहां है। वहीं टीएमसी उम्मीदवार कीर्ति आजाद ने कहा कि दिलीप घोष गुंडों के साथ घूम रहे हैं, ये शर्म की बात है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और बीजेपी नेता बड़े बीजेपी के बिहार के बड़े नेता का निधन हो गया है। आज उनका पार्थिव शरीर पटना लाया जाएगा। सुशील कुमार मोदी ने 72 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। वो पिछले कुछ समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। सुशील मोदी का पार्थिव शरीर आज उनके पटना के राजेंद्र नगर आवास पर लाया जाएगा, यहीं उनका अंतिम संस्कार होगा। 30 साल से ज्यादा के सियासी करियर में सुशील मोदी विधायक, विधान परिषद सदस्य, लोकसभा सदस्य और राज्यसभा के सदस्य रहे। वो दो बार बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे। सुशील मोदी का राजनीतिक करियर पटना विश्वविद्यालय में एक छात्र कार्यकर्ता के रूप में शुरू हुआ।
पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित बिहार बीजेपी के नेताओं ने सुशील मोदी के निधन पर शोक व्यक्त किया। पीएम मोदी ने बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी के निधन पर सोशल मीडिया के जरिए शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पार्टी में अपने मूल्यवान सहयोगी और दशकों से मेरे मित्र रहे सुशील मोदी के असामयिक निधन से अत्यंत दुख हुआ है। बिहार में बीजेपी के उत्थान और सफलताओं के पीछे उनका अमूल्य योगदान रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारे वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी जी के निधन की सूचना से आहत हूं। बिहार ने राजनीति के एक महान पुरोधा को हमेशा के लिए खो दिया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने भी उनके निधन पर शोक प्रकट किया। और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने भी सुशील मोदी के निधन पर शोक व्यक्त किया। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी सुशील कुमार मोदी के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के समय हमारे मित्र भाई सुशील मोदी के निधन से बहुत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। वो एक जुझारू, समर्पित सामाजिक राजनीतिक व्यक्ति थे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे अभिभावक, संघर्षशील और कर्मठ नेता आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी के असामयिक निधन की खबर से व्यथित हूँ। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने भी सुशील कुमार मोदी के निधन पर शोक व्यक्त किया। और गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के धुले में उद्धव ठाकरे पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में न जाने पर सवाल उठा। उन्होंने तंज किया कि अपने वोट बैंक की खातिर उद्धव अयोध्या नहीं गए। उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं कि प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण जब आपको मिला तो आप प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं गए? मुझे बताओ भाई, राहुल जी, उद्धव जी ने प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? जोर से बोलो, जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? वो नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि उनको अपनी वोट बैंक का डर लग रहा है। और मुंबई होर्डिंग हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। होर्डिंग गिरने से 14 लोगों की मौत हुई है, 43 लोग घायल हुए। मुंबई में आंधी तूफान से होर्डिंग गिर गया। मुंबई के पंत नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। मुंबई में आंधी तूफान की वजह से हादसा। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के घाटकों पर इलाके में हुई होर्डिंग हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। मामले में पंतनगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें होर्डिंग कंपनी के मालिक भावेश भिड़े सहित कई लोगों को आरोपी बनाया गया है। वहीं हादसे के बाद से ही एनडीआरएफ फायर ब्रिगेड रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। सोमवार शाम को घाटकों पर इलाके में चेड्डा नगर जंक्शन के पास एक पेट्रोल पंप पर 100 फीट लंबा होर्डिंग उखड़ कर गिर गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। सभी घायलों को पास के राजापुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगे बढ़ते हैं। मुंबई के घाटकोपर में हुए हादसे के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटनास्थल का दौरा किया और कहा कि लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों को के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर घाटकोपर होर्डिंग हादसे के हालात का जायजा लिया। उन्होंने हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। जितने भी होर्डिंग है मुंबई में, उसका स्पेशल ऑडिट हो, स्ट्रक्चरल ऑडिट हो, जो विदाउट लाइसेंस, विदाउट परमिशन है, उनको काट दिया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और जो आज इसके लिए जो जिम्मेदार है, उसके ऊपर सदोष मनुष्यवध का गुना दाखिल करने की भी सूचना की। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी घटनास्थल का दौरा किया और कहा कि सरकार दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेगी। और मुंबई में आए तूफान ने जमकर कहर बरपाया। वडाला इलाके में कई मंजिला मेटल पार्किंग गिरने से हड़कंप मच गया। भाईखाला में पुल पर हादसे की वजह से जाम लग गया। तस्वीरें मुंबई में आंधी तूफान से वडाला इलाके की एक इमारत के बाहर बने कई मंजिला मेटल पार्किंग के भरभरा कट ढहने की हैं। ये पूरी मेटल पार्किंग सड़क किनारे खड़ी करीब 10 गाड़ियों पर गिर गई। मेटल पार्किंग गिरने के बाद वडाला में काफी देर तक ट्रैफिक सेवा पर असर पड़ा। मुंबई में भारी बारिश के बीच भाईखाला लालबाग ब्रिज पर टेम्पो और कार भिड़ने से भीषण सड़क हादसा हुआ। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन हादसे के चलते पुल पर काफी देर तक जाम लगा रहा।
बाराबंकी में ऑक्सीजन प्लांट में हुए धमाके में एक कर्मचारी की मौत हो गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। तस्वीरें बता रही कि ऑक्सीजन प्लांट में हुआ धमाका कितना तेज था। धमाके में प्लांट के भीतर रखा टिन शेड भी चकनाचूर हो गया। जानकारी के मुताबिक सारंग ऑक्सीजन प्लांट में गैस रिफिलिंग का काम किया जाता है। गैस रिफिल करने के दौरान ही एक ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। विस्फोट इतना भीषण था कि प्लांट में काम कर रहे एक कर्मचारी के चीथड़ उड़ गए। 4 से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। ब्लास्ट के कारण का पता लगाने के लिए जाँच की जा रही है। पंजाब के बरनाला में किसानों और व्यापारियों के बीच तीखी झड़प हुई, जिसके बाद किसानों ने कारोबारियों पर लाठियां बरसाई। तस्वीरें पंजाब के बरनाला में किसानों और व्यापारियों के बीच हुई तीखी झड़प की है। किसानों ने कारोबारियों पर लाठी बरसाई, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। किसान यूनियन इमिग्रेशन व्यापारी पर एक युवक को विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने और पैसे मांगने के आरोप लगाए। मामले में भारतीय किसान यूनियन डकोदा ने व्यापारी की दुकान के सामने धरना प्रदर्शन भी किया। पुलिस के समझाने के काफी देर बाद दोनों पक्ष शांत हो गए। पुलिस ने मामला सुलझाने के लिए दोनों पक्षों के साथ बैठक भी की। और कर्नाटक के जेडीएस नेता एचडी रवन्ना को किडनैपिंग केस में स्पेशल कोर्ट से जमानत मिल गई है। 4 मई को एसआईटी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। कर्नाटक में यौन शोषण के आरोपी जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के पिता एचडी रेवन्ना को बेंगलुरु की विशेष अदालत से जमानत मिल गई है। एचडी रेवन्ना को अपहरण के एक मामले में सशर्त जमानत मिली है। विशेष अदालत ने एचडी रेवन्ना को गवाहों और सबूतों से छेड़छाड़ न करने की शर्त पर ही जमानत दी है। इसके साथ ही कोर्ट का निर्देश है कि वो जमानत के दौरान एसआईटी टीम के संपर्क में रहेंगे। 66 वर्षीय जेडीएस नेता केआर नगर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज अपहरण के एक मामले में एसआईटी अधिकारियों ने उन्हें 4 मई को गिरफ्तार किया था। और खबर गुवाहाटी से। गुवाहाटी में एक इंजीनियर के घर से लाखों रुपए नकद बरामद किए गए। नोटों की गड्डियां देखकर अधिकारी हैरान रह गए। गुवाहाटी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के घर से तलाशी के दौरान असम की डायरेक्टोरेट ऑफ विजिलेंस और एंटी करप्शन की टीम ने 79 लाख रुपए से ज्यादा नकदी बरामद की है। इंजीनियर का नाम जयंत गोस्वामी बताया जा रहा है। गोस्वामी के घर से कुल 79,87,500 रुपए बरामद किए गए हैं। टीम ने इन पैसों को जब्त कर लिया है। गोस्वामी हैंगराबाड़ी PHE के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर तैनात है और उसे एक होटल से 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया था। गिरफ्तारी के बाद उसके घर पर छापेमारी की गई। और भोपाल पुलिस को छापेमारी के दौरान 41 लाख रुपए कैश मिले हैं। मामले को हवाला से जोड़कर देखा जा रहा है। 60 सेकंड्स में देखिए पूरी रिपोर्ट। तस्वीरों में दिख रहे नोटों से भरे बैग जो पुलिस ने जब्त किए, इनकी गिनती की गई तो पता चला कि ये करीब 41 लाख रुपए हैं। पूछताछ की तो खुलासा हुआ, जिस गुलाब नाम के शख्स के घर से ये बरामदगी हुई है वो उसी कथित मनी एक्सचेंज कारोबारी का रिश्तेदार कैलाश खत्री के रिश्तेदार हैं, जिसके यहाँ 9 मई को अशोका गार्डन के पंतनगर में पुलिस ने छापा मारा था। कैलाश खत्री के यहाँ पुलिस ने 31,58,000 रुपए बरामद किए थे। छापे में कटे फटे पुराने और नए नोट भी बरामद हुए थे। CCTV फुटेज में ये बात सामने आई कि खत्री फैमिली ने पैसों से भरे बैग वहाँ से हटाए थे। और मुजफ्फराबाद में जारी विरोध प्रदर्शन। जी हाँ, पाकिस्तान में ये हालात है। मुजफ्फराबाद में हिंसक झड़पें जारी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर हिंसक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुजफ्फराबाद में कई जगहों पर पाक रेंजर्स और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुई। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने बरकोट इलाके में पाक रेंजर्स की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। पाक रेंजर्स की फायरिंग से एक शख्स की मौत की भी खबर है। लोगों के विरोध को कुचलने के लिए पाकिस्तान की सेना ने मुजफ्फराबाद में हेलीकॉप्टर उतारा है। और POK में करों के खिलाफ जारी प्रदर्शन हिंसक होता जा रहा है। पाक एक्टिविस्ट हालात को गंभीर बता रहे हैं। पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। POJK में पिछले कई दिनों से गुस्साए लोग बढ़ते बिजली बिलों और दूसरे करों के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पाक एक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्जा ने हालात को गंभीर बताया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में हालात बेहद गंभीर होते जा रहे हैं। POK के लोगों ने उनकी समस्याओं के समाधान के लिए शहबाज शरीफ के 23 अरब रुपए के फंड के बावजूद प्रदर्शन को समाप्त करने से इनकार कर दिया।
इधर कनाडा के जंगलों में लगी आग लोगों की परेशानी का सबब बनती जा रही है। प्रशासन ने अगले 48 घंटे चुनौतीपूर्ण होने का दावा किया है। कनाडा के जंगल में लगी आग विनाशकारी साबित हो रही है। कनाडा प्रशासन के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटे चुनौतीपूर्ण होंगे। रेस्क्यू टीमों की आग के बीच हजारों लोगों को निकालने की तैयारी है। तेज हवाओं के चलते जिससे फोर्ट नेल्सन के पास आग पे काबू हो गई है। अल्बर्टा और मैनिटोबा जैसे प्रांतों में आग समुदायों के लिए खतरा पैदा कर रही है। आग के चलते हालात बदतर हो रहे हैं। कनाडा के पश्चिमी प्रांत ब्रिटिश कोलंबिया में जंगल में लगी भीषण आग के कारण हजारों लोग घर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। और ब्राजील में भारी बारिश और बाढ़ से लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। अब तक लाखों लोग आपदा से प्रभावित हो चुके हैं। भारी बारिश के कारण ब्राजील में नदी का स्तर फिर एक बार बढ़ गया है। बाढ़ के कारण अब तक 136 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 120 से ज्यादा लोग लापता हैं। भारी बारिश के चलते रियो ग्रांडे डो सुल के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दो हफ्तों से जारी मूसलाधार बारिश के कारण नदियों का पानी कस्बों और क्षेत्रीय राजधानी के कुछ इलाकों में घुस गया है। मूसलाधार बारिश की वजह से करीब 4 लाख लोगों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा है। इनमें से काफी लोगों ने स्कूलों और दूसरे अस्थायी शरणार्थी शिविरों में शरण ले रखी है। और आज की सबसे बड़ी खबर, वाराणसी से आज नामांकन भरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी सुबह 11:40 पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पीएम मोदी के नामांकन से जुड़ी है बड़ी खबर। TV9 पर मोदी के प्रस्तावकों की सूची। प्रधानमंत्री मोदी के 4 प्रस्तावक पंडित गणेश शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर प्रस्तावक, सभी समुदाय से प्रस्तावक। मुंबई होर्डिंग हादसे में अब तक 14 की मौत। मुंबई होर्डिंग हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश। झांसी में आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त रैली। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन के समर्थन में जनसभा। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरी बार वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन करेंगे और नामांकन से पहले पीएम गंगा स्नान करेंगे। उसके बाद पीएम काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद पीएम सुबह 11:30 से कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन प्रक्रिया में शामिल होंगे। पीएम मोदी के नामांकन कार्यक्रम में 20 केंद्रीय मंत्री, 12 राज्यों के सीएम और एनडीए के बड़े नेता शामिल होंगे। और सबसे पहले दशाश्वमेध घाट से हमारे संवाददाता कुमार कुंदन की रिपोर्ट भी हम आपको दिखाते हैं। आगे उनसे हम बात कर, उससे पहले ये रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। नामांकन से पहले इसी घाट पर पीएम मोदी गंगा स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। इस वक्त मैं दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद यहां पे आने वाले हैं। कई सारे पुजारी यहां पे मौजूद हैं। प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है यहां पे। खूब इंतजार हो रहा है, खूब स्वागत हो रहा है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कल उन्होंने एक तरीके से रोड शो किया था, फिर बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी किए थे, आज गंगा किनारे आ रहे हैं। किस तरीके से बाबा विश्वनाथ में दर्शन है और शायद काल भैरव भी जाएंगे दर्शन करने। खूब बढ़िया रैली हुई, रोड शो हुआ, 80 घाट से लेके उन्होंने संपूर्णानंद तक खूब बढ़िया रोड शो किया। किस तरीके से देखते हैं प्रधानमंत्री को आप? प्रधानमंत्री बहुत अच्छे जो हैं, 400 पार जा रहे हैं अब की बार, पूरा भगवामय है। कुछ सुनाएंगे आप लोग प्रधानमंत्री के लिए संस्कृत? बिल्कुल, आशीर्वाद है उनके लिए। शानंदमानंदमने वसंतम आनंदकंदम मातापावरिंदम वाराणसीनाथममनातनातम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। जो यहाँ पे पुजारी हैं वो लोग प्रधानमंत्री जब आएंगे उसके बाद किस तरीके से यहाँ पे पूजा अर्चना और तमाम तरह की चीज़ें होंगी वो गा के सुना रहे थे। बात अगर दशाश्वमेध घाट की करें तो इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व भी है। बनारस में तो वैसे कई सारे घाट हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण घाट जिनमें 5 घाट में आता है उसमें से एक दशाश्वमेध घाट की भी बात होती है। कई सारी पौराणिक कथाएं भी हैं। कहा जाता है कि दशाश्वमेध का अर्थ होता है जहाँ पर कि भगवान ब्रह्मा ने 10 अश्वों की बलि दी थी। ऐसा कहा भी जाता है कि बाजीराव पेशवा ने सबसे पहले 1740 ईस्वी में इस घाट का पुनर्निर्माण करवाया था। इसके इतर अगर हम बात करें तो ये भी बताया जाता है कि इंदौर की महारानी
रानी अहिल्याबाई होलकर ने 1774 में इस घाट को बनवाया था। तो कई सारी इसको लेकर किदवंतियाँ हैं, कई सारी कहानियां हैं और उन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आएंगे और पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद आगे का उनका कार्यक्रम है। इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं दशाश्वमेध घाट से। हमारे साथ हैं कुमार कुंदन हमारे सहयोगी और साथ ही प्रतिमा मिश्रा भी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। कुमार के पास सबसे चलेंगे। कुमार सबसे पहले चलेंगे। कुमार, कल प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ, उसका प्रभाव आज क्या नजर आ रहा है? जैसा हम रिपोर्ट में भी देख रहे थे, काफी लोग उत्साहित हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री का नामांकन होने जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जब कभी भी बनारस आते हैं तो लोगों का उत्साह चरम पे होता है, अपने सांसद को देखने के लिए, देश के प्रधानमंत्री को देखने के लिए। आज सुबह की तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा। प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर बाद आपको एक पोडियम नज़र आ रहा होगा वहाँ पे, और पुजारी वगैरह कुछ खड़े हैं वहाँ पे आके गंगा पूजन करेंगे दशाश्वमेध घाट पे। और इस पूजन को करने के बाद प्रधानमंत्री यहाँ से नमो घाट के लिए इसी क्रूज पर बैठ के जाएंगे। लेकिन इसको देखने के लिए भी सुबह से तमाम तरह के लोग पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं और खड़े इस बात के इंतज़ार में हैं कि प्रधानमंत्री आएंगे और उनसे देखेंगे, मिलेंगे। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जब आते हैं तो अपने जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे मिलते जुलते भी हैं। तो ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर बेहद ही खास है। मैं एक बार पहले लोगों से बात करवाता हूँ, उनसे जानता हूँ कितना इंतज़ार है आपको प्रधानमंत्री अभी आने वाले हैं। कितना इंतज़ार है प्रधानमंत्री अभी आने वाले हैं यहाँ पे? अरे इंतजार क्या, हम पूरा भारत इंतजार कर रहा है, फिर भगवान लहराएंगे, हम भारत में छाएंगे। जय श्री राम। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, नए उज्जवल भारत बनाएंगे। जय श्री राम। रवि, मैं आपको जो तस्वीर बताना चाह रहा था कि हर हर महादेव के नारों के साथ दशाश्वमेध घाट गुंजयमान है, लेकिन सबके इधर इतनी धूप के बावजूद भी सुबह में देखिए बड़ी तादाद में लोग दोनों घाट के दोनों ओर खड़े हैं, हम देख पा रहे हैं उनको प्रधानमंत्री। और ये सुबह सुबह का वक्त है, लेकिन बनारस की सुबह अपने आप में अनूठी होती है। प्रतिमा मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद है। प्रतिमा, तैयारियां क्या है प्रधानमंत्री के आने के? और ये भी बताया जा रहा है कि तमाम बीजेपी के बड़े नेता, एनडीए के बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री के साथ। कल रवि हम लोगों ने मेगा रोड शो की तस्वीरें देखी है बनारस से प्रधानमंत्री मोदी की, जहां पूरा बनारस सड़कों पर उतर आया था। और आज चूंकि उन्हें नॉमिनेशन करना है, दिन भी बहुत खास चुना गया है, गंगा सप्तमी के शुभ मुहूर्त पे प्रधानमंत्री मोदी नामांकन करने वाले हैं और दशाश्वमेध घाट पे 100 मीटर की दूरी पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और देखिए आपको यहाँ पर नजर आएगा किस तरीके से आज भी लोग आपको इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। वो लोग हैं जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए थे, घाट पर आए थे, लेकिन वो यहाँ से जा नहीं रहे हैं। उसकी वजह है कि सबको इस बात का अंदाजा है कि प्रधानमंत्री मोदी को दशाश्वमेध घाट पर आना है। सफाई का सिलसिला यहाँ चल रहा है, आला अधिकारी लगातार यहाँ मौके पर पहुंच रहे हैं देखने के लिए कि जो व्यवस्था है वो दुरुस्त है या नहीं। आप लोग इसीलिए रुके हुए हैं क्योंकि मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं? जी मैम जी। क्या पता चला आप लोग? सुबह 6 बजे से हम वेट कर रहे हैं, 6:30 बजे से, और जब तक देख नहीं लेंगे तब तक जाएंगे नहीं। आप लोग यहाँ पर क्या मोदी जी को देखने के लिए रुके हुए हैं? जी जी जी। युवाओं का एक ग्रुप आपको नजर आ रहा है, लेकिन आप जहां तक नजर दौड़ाएंगे, मैं कोशिश करूंगी रोहित मेरे सहयोगी आपको दिखा सके कि ये पूरा इलाके में इस तरफ लोगों को बैरिकेड के इस तरफ रोका गया है, क्योंकि यही वो रास्ता है जहां से प्रधानमंत्री मोदी दशाश्वमेध घाट की तरफ बढ़ेंगे। उनका कैवलकेड यहीं से होकर गुजरेगा और यहां से महज 100 मीटर की दूरी पर पूरा कार्यक्रम तय है, जहां पर वो गंगा आरती में शामिल होने वाले, उनके स्नान करने की भी खबर सामने आ रही है और उसके बाद यहां से वो आगे की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन तैयारियां जो मैं बात कर रही हूं लगातार रवि, तैयारियां देखते ही बन रही है। यहां पर पुलिस के आला अधिकारी लगातार गश्त कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि यहां पर सारी व्यवस्था टू द पॉइंट हो, क्योंकि कोई भी कमी प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम में वो नहीं होने देना चाहते हैं। और यहां पर देखिए कड़ी धूप अब आनी शुरू हो गई, बावजूद इसके लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का। बिल्कुल प्रतिमा, आप बने रहे हमारे साथ। हमारे साथ कुमार भी बने हुए हैं, कुमार कुंदन हमारे सहयोगी। इस बीच देखिए एक और अपडेट आपको दे दे, पीएम मोदी के नामांकन से जुड़ी ये खबर है। TV9 पर मोदी के प्रस्तावकों की सूची, जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 प्रस्तावक पंडित गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर प्रस्तावकों में शामिल। तो काफी मंथन के बाद 4 प्रस्तावकों का नाम तय हुआ, वो लिस्ट TV9 के पास, जिनके नाम भी हम आपको बता रहे हैं। 4 प्रस्तावक जिनमें शामिल होंगे पंडित गणेश्वर शास्त्री, साथ ही बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर, ये प्रस्तावकों के नाम हैं जो आज प्रधानमंत्री के नामांकन के समय मौजूद रहेंगे उनके साथ। कुमार कुंदन के पास चलेंगे। कुमार, इन प्रस्तावकों की सूची को लेकर क्या मंथन हुआ और 4 प्रस्तावक जो तय हुए हैं उसकी क्या खासियत इस बार नजर आ रही है?
देखिए, सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखकर प्रस्तावकों का चयन किया गया है, और आपको याद होगा राम मंदिर का मुहूर्त जिस पंडित ने निकाला था शास्त्री जी, उनका जो है चयन हुआ है। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अयोध्या से प्रधानमंत्री बार बार एक नए रिश्ते की बात करते हैं, और राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ था तो प्राण प्रतिष्ठा में किस वक्त प्राण प्रतिष्ठा होगा इस बात का मुहूर्त बनारस के पंडित ने ही निकाला था, तो उनको एक तरीके से प्रस्तावकों की सूची में शामिल किया गया है और पहले नंबर पर वो हैं। इसके अलावे दलित और OBC सबको ध्यान में रखकर जो है प्रस्तावकों को रखा गया है। 2014 से अगर आप देखें रवि, 2019 और 2024 तो प्रधानमंत्री के प्रस्तावक बनते मतलब अलग अलग होते रहे हैं। आपको याद होगा कि 2014 में जहां छन्नूलाल मिश्रा थे जो प्रसिद्ध जो है संगीत लोक गायक और संगीतकार थे, तो उसके बाद से और भी लोग जो है प्रस्तावक बनते रहे हैं। और इस बार चूंकि अयोध्या जो है एक तरीके से केंद्र रहा है, राम मंदिर का केंद्र रहा है, उनके उस पंडित को प्रस्तावक बनाया गया है जिन्होंने मुहूर्त निकाला है। बिल्कुल, ये अपने आप में कई खास बातें, और एक खास बात ये भी इसके बारे में सामने आ रही है कि 50 लोगों के नाम पर विचार मंथन चल रहा था और आखिरकार 4 लोगों के नाम को फाइनल किया गया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब बात मुंबई में कोहराम मचाने वाले तूफान की। जी हां, मुंबई में आंधी ने कोहराम मचा दिया है। घाटकोपर इलाके में बिलबोर्ड गिरने से 14 लोगों की मौत हुई है। मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख की मदद की घोषणा की गई है। राज्य सरकार ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। तो मुंबई में आंधी और तूफान की वजह से कैसे बड़ा हादसा हुआ है, देखिए, इस आंधी तूफान की वजह से बिलबोर्ड गिरा, और यह भी जानकारी सामने आई है कि अब तक 14 लोगों की मौत हुई है, बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं, और इस घटना में हताहत लोगों के लिए मदद का भी ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से। तो मुंबई में आंधी और तूफान ने जमकर कोहराम मचाया। मौसम ने ऐसी करवट बदली कि लोगों की जान पर बनाई। कई जगह लोहे के बड़े बड़े टावर गिर गए, तो घाटकोपर में पेट्रोल पंप पर गिरे बिलबोर्ड से 12 लोगों की मौत हो गई। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से आंधी तूफान पूरी मुंबई पर छाया रहा। बिलबोर्ड पेट्रोल पंप पर गिर गया और इसकी वजह से यह बड़ा हादसा हुआ। ताश के पत्तों की तरह टावर भी बिखरते नजर आए। ये देखिए तस्वीरें, हादसे के बाद किस तरह के हालात थे अब तूफान की वजह से, ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं बिलबोर्ड कैसे गिरा है, और इस हादसे की वजह से कई लोग हताहत हुए। जो और घाटकोपर में पेट्रोल पंप पर होर्डिंग गिरने से हुए हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। मौके से संवाददाता आनंद पांडे की रिपोर्टिंग। मुंबई के घाटकोपर में एक पेट्रोल पंप था जहां पे बिल होर्ड कोसने की वजह से यहां पर कई लोग जख्मी हुए और इसके अंदर फंसे हुए होने की संभावना है, जिसमें 50 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए और उनको इसमें से बाहर निकाला गया और 12 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है। अभी भी यहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, फायर ब्रिगेड और BMC की तरफ से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको दिखा दें, ये बहुत ही बड़ा यहाँ पे बिल होर्ड था जो अचानक पेट्रोल पंप के ऊपर कुसरा, और उस समय लोग यहाँ पर पेट्रोल भर रहे थे, जिसके बाद लोग गंभीर रूप से यहाँ पर जख्मी हुए और कुछ लोगों की अचानक इसमें दब करके मौत हो गई। फायर ब्रिगेड NDRF की टीम यहां पर पहुंची हुई है। आपको दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से यहां पे गाड़ियां अंदर फंसी हुई हैं, आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी गाड़ियां यहां पेट्रोल पंप के अंदर फंसी हुई हैं। फायर ब्रिगेड और NDRF की टीम मौके पर पहुंची हुई है, इसको निकालने का काम कर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लोहे हैं जिसको निकालना काफ़ी मुश्किल काम, 12 घंटे से ज़्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन चल चुका है लेकिन अभी तक इसको खाली कराया नहीं जा सका है। यहाँ पर BMC की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम, NDRF और मुंबई पुलिस की टीम लगी हुई है पूरी तरह से खाली कराने के लिए, और इसमें कोई अंदर फंसा हो उनको निकालने के लिए। अभी भी यहां पर जिंदगी और मौत का इंतजार है, लोग अंदर फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने का काम जो है फायर ब्रिगेड और NDRF और मुंबई पुलिस कर रही है। करण सिद्धेश, आनंद पांडे, TVN भारतवर्ष, मुंबई। तो घाटकोपर में जो हादसा हुआ उससे बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कल किस तरह से तूफान की वजह से ये पूरा का पूरा बिलबोर्ड गिरा और इसकी वजह से देखिए बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए, 14 लोगों की मौत अभी तक जानकारी सामने आ रही है। और दूसरी तस्वीर आज के रेस्क्यू ऑपरेशन की, आज के बचाव कार्य की तस्वीरें।